एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक ठाक से होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक से हूँ। अभी है शाम को, कितना बज रहा है ये देखो, आपको मैं दिखा देती हूँ। अभी 4:30 का टाइम हो रहा है और मुझसे अभी कोई मिलने आने वाला है। तो काफ़ी दिनों से मैं प्लानिंग कर रही थी, मतलब मैं क्या, हम दोनों प्लानिंग कर रहे थे मिलने की, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो आज वो इधर आ रही थी, मतलब इस एरिया में आ रही थी, तो मुझसे थोड़ी सी बात हुई कि मैं मिलने आ जाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप आओ। तो मेरा भी बहुत मन था, तो फाइनली आज वो आ रही है। तो अभी वो आ रही है, मैं किए जा रही हूँ, बट ये आपको नहीं बता रही हूँ कि कौन आ रहा है। तो मैं अभी कुछ नहीं बताऊँगी, जब मैं आ जाएगी तभी मैं आपको बताऊँगी कि कौन मुझसे मिलने आने वाला है। और अभी मुझे बहुत सारे हैं काम, क्योंकि अभी मुझे किचन में जाना है। अभी थोड़ा सा पहले मम्मी के लिए चाय बना लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद चाय वगैरह पी लेते हैं तब तक, क्योंकि टाइम हो गया है हम लोग का। और मेरा तो ना थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे होता है ना चाय पीने का, तो मेरे सिर में ना थोड़ा सा दर्द टाइप होने लगता है। और बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो में कमेंट किया था जब हम लोग रुद्राभिषेक में थे मेरे मायके में, तो लोगों ने कई लोगों ने पूछा था कि आपने डांस नहीं किया। तो यार मेरा, मैं डांस करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, बट मैं आपको सच बताऊँ, मेरी आद्या ना बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि उसकी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, उसका टीथिंग प्रोसेस मतलब चल रहा था, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने बैंड बाजा में डांस नहीं किया है, तो समझ सकते हो मुझे कितना अजीब सा फील हो रहा था। और किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में निधि के बारे में पूछा था कि निधि कौन है, तो निधि है मेरी एक बुआ है, परिवार की बुआ है, तो उनकी बेटी है, तो वो हमारे पास ही बचपन से रहती है, तो ये आप समझ लो कि मेरी वो बहन ही है छोटी। तो मैं बहुत दिनों से हम लोग मिलना चाह रहे थे, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था कि आज मुझसे कोई मिलने आ रहा है। एक्चुअली काफ़ी टाइम से हम लोगों की बातचीत हो रही है और हम लोग एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हो गए हैं, तो और एक ही शहर से हैं, एक ही जगह से हैं, तो अपने आप अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है, और ये समझ लीजिए कि अब फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी हो गई है। तो आज वो मुझसे मिलने आई है, तो चलो मैं मिलाती हूँ आपको। ये है, ये देखो, पहचान ही रहे होगे आप लोग कौन बहू। सो इतने एक्साइटेड हम लोग मिल गए कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग बोल क्या कर रहे हैं। कैमरा रोज उठाते हैं, ब्लॉगिंग रोज करते हैं, लेकिन आज है ना लफ्ज नहीं मिल रहे बोलने को कि बोले क्या। खुशी के मारे खुशी तो झलक ही रही है ना। और ये बढ़िया आज साड़ी वाला गेटअप लेकर के आई है, देख लीजिए। हम कहीं वैसे तो मेकअप वीडियो आपने इनके देखे ही है, लेकिन आज फुल साड़ी में आई है, देख लीजिए। फ्रेंड से मिलने की एक चीज आप लोगों को बता दूं कि जैसे कैमरे में दिख रही ना वैसी है नहीं, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जब मैं इनको देखी हूँ ना, सबसे पहले मैंने यही बोला, यार आप कैमरे में जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं, रियल में कितने प्यारे हो। हम लोग तो वैसे अच्छे दिखते हैं कैमरे में, लेकिन इनके साथ नहीं यार, पता है ये इतनी ज्यादा खूबसूरत है ना, मतलब इनका फेस कट वट सब कुछ है, थोड़ा सा भरा उसमें दिखता, लेकिन रियल में यार जिंदा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ना। तो चलो अभी बातें हम लोग की ज्यादा हो रही है, और ये अभी आई मैं बोल रही हूँ इनका मोबाइल लॉगिन ये कर रही, बोल मैं रही हूँ देख लो आप लोग। और इनके बारे में तो आप जान ही रहे हो, इनके चैनल का नाम, चैनल का नाम तो पहले बता दें, प्रीति मेकअप यार सान। हाँ, तो आप लोग प्रीति मेकअप ऑफिशियल। और मुझे प्रीति मेकअप ऑफिशियल का इंस्टाग्राम प्रीति मेकअप ऑफिशियल। अच्छा, पूरा PRITI प्रीति मेकअप, बस। अच्छा, प्रीति मिडिल क्लास ब्लॉग। अच्छा, प्रीति मेकअप मिडिल क्लास ब्लॉग, ये इनके चैनल का नाम है। हाँ। और मेरे चैनल का नाम है आद्या फैमिली चैनल, आप लोग जान ही जानते हो। हाँ, जो लोग नहीं जानते, जो मुझे नहीं जानते वो इनके वीडियोज के थ्रू जान जाएंगे, और जो इनको नहीं जानते वो मेरे वीडियोज के थ्रू जान जाएंगे। तो ये है, और हम लोग की काफी अच्छी अब फ्रेंडशिप हो चुकी है, और अभी ये आई हैं, बहुत देर रहने वाली हैं। हाँ, तो मैं थोड़ा सा इनको पानी वानी पिला देती हूँ, रोकूंगी थोड़ी देर, बट ये भी अपने बेबी को छोड़ करके आई हैं, छोटी सी जिनकी प्यारी सी बिटिया है उसको छोड़, मैं अभी इनको थोड़ा सा पानी वानी पिला देती हूँ। और मैं इनको देखिए क्या खिलाने वाली हूँ आज, इनको भी एकदम ना गाँव की याद आने वाली है, तो
अभी जैसा कि आपने मेरे मायके के ब्लॉग्स देखे ही है, तो मैं भी वहां से आई हूँ, तो वहां से मैं प्रसाद में क्या लेके आई हूँ वो आज इनको भी खिलाऊंगी। प्रसाद भी टेस्टी होता है, प्लस वो घर का है और शुद्ध चीज है, तो अभी मैं देसी है तो देसी पसंद है। तो चलो मैं अभी इनको खिला पिला देती हूँ, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारी बातें हो रही हैं और मम्मी भी आ गई हैं, तो मैं इन्हें प्रसाद खिला रही हूँ और बस बहुत अच्छा लग रहा है, बातें होती ही जा रही हैं और काफ़ी मतलब फ्रेंडली इनका नेचर है। मेरा मतलब ऐसे हम लोग को लग ही नहीं रहा कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, इतनी बातें हो रही हैं, सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। और वैसे हमारी फ़ोन पर बहुत बातें होती थी, फ़ोन पर हम लोग काफ़ी कुछ एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, काफ़ी अच्छा इनका नेचर भी है। तो और हम एज है, मतलब हमारी एज भी लगभग सेम ही होगी, तो बस यहाँ पे हम लोगों की बातें वातें हो रही हैं। तो चलिए थोड़ी देर के बाद आप लोगों से बातें करते हैं। ये देखो ये अभी आई हैं और अब बस अभी नहीं आया, आधा घंटा हो गया। अरे तो आधा घंटा कितना होता है, मतलब देख लो जैसे आधा घंटा ऐसा बोल रही, चला दो चार दिन से बैठी होता है ना। तो मतलब ये अभी जाने वाली है, एकदम जाने के लिए तैयार है और हस्बैंड जी को मतलब रोक करके कहीं आई हैं और उनसे मतलब उनको तो अपनी मन देख। हाँ, और स्पेशली जब बच्चे छोड़ करके आते हैं ना तब ज्यादा हड़बड़ी रहती है, तो ये निकल रही है। और ये देखो ये कुछ मेरे लिए लेकर आई है, मैं भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को बाद में देखने को मिलेगा, बाद में नहीं रह पर देखने को मिलेगा। हाँ, तो बहुत प्यार से मेरे लिए लेके आई हूँ। हाँ, तो बहुत बहुत उनका थैंक यू। और गाइज आप लोग जो है इनके चैनल पे जाइएगा, मतलब देखिएगा, बहुत अच्छे वीडियोज डालती हैं। मुझे तो स्पेशली इनके मेकअप वीडियोज बहुत अच्छे लगते हैं, ब्लॉगिंग भी बहुत अच्छी है लेकिन मेकअप वीडियोज मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही अफोर्डेबल इनके मेकअप वीडियोज होते हैं, मतलब हर कोई कर सकता है किसी मतलब ये मेरे मुंह पे मेरी ही बड़ाई। हाँ, तो ये सारी चीजें, ब्लॉगिंग बहुत अच्छी है और एक्सपीरियंस है, काफी दिनों से भी यूट्यूब में है, तो इस वजह से आप लोग एक बार जरूर वॉच करिएगा इनके वीडियोस को। प्रीति मेकअप इनके चैनल का नाम है और मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो अब ये जाने के लिए एकदम रेडी हैं, तो निकल रही है, मैं भी इनको टाटा बाय बाय कर दूं या मैं इनको छोड़ आऊं वहां तक, तो फिर थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूं। प्रीति अभी जा चुकी है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, समोसे खा रही हूँ, क्योंकि मैंने समोसे प्रीति के लिए मंगाया था, वो लेकिन थोड़ा जल्दी में थी, उसने बिल्कुल भी नहीं खाया, क्योंकि वो अभी ना अपनी छोटी बेबी को छोड़ करके आई हुई थी, तो ज़्यादा टाइम नहीं था उसके पास, तो बस वो निकल गई है। और यहाँ पे मैं और आद्या दोनों समोसे खा रहे हैं और मुझे ना समोसे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठ करके खा रही हूँ। और आज ना मुझे बहुत आज क्या मुझे अब डेली ही बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि फेस्टिवल नज़दीक आ गया है और साल का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है दीपावली, वो तो बिल्कुल आ ही गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा काम होता है, तो मुझे ना अभी बहुत सारा काम है साफ़ सफाई का और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं कुछ अभी ही लौट करके आई हूँ, तो मुझे इतना काम ज़्यादा हो गया है कि मुझे फटाफट से करना भी है, 3-4 दिनों में सारे काम निपटाने हैं, तो मेरा शेड्यूल ना बहुत बिजी रहने वाला है। साफ़ सफाई का बहुत काम हो गया है, शॉपिंग का बहुत काम हो गया है और मम्मी का बर्थडे भी आने वाला है, तो उसका भी बहुत सारा काम है, तो मतलब कई सारी चीज़ें हैं, तो जिसकी वजह से मैं बिज़ी रहने वाली हूँ। और फेस्टिव सीजन स्टार्ट होते ही ना आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, फैमिली ब्लॉगिंग बहुत अच्छी होगी, और उसके साथ ही अगर मेकअप वीडियो देखना है तो उसके लिए भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग यहाँ पर मतलब प्रयागराज में हर साल दीपावली हम मेरी ससुराल में बहुत अच्छे से होती है, लेकिन इस साल पता नहीं अच्छे से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और ये दीपावली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें कंटिन्यू 5 फेस्टिवल लगातार होते हैं, और धनतेरस से शुरू होता है, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, उसके बाद परिवा को भी दीपक वगैरह जलाए जाते हैं, और उसके बाद आता है भाई दूज, तो ये त्यौहार जाकर के ख़त्म होता है भाई दूज पर, तो 5 डेज का रहेगा। और हमारे यहाँ स्पेशली भाई दूज तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, मेरी भी जितनी बुआ सासें हैं सभी यहाँ आती हैं, मेरी नंद आती हैं, मतलब सभी लोग आते हैं, फिर
काफी मौज मस्ती होती है, बातें होती हैं, तो होता है सभी का ऐसे ही होता है। जब फैमिली इकट्ठे होती है ना तो टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो चलिए अभी मैं थोड़े से अपने काम भी कर लेती हूँ क्योंकि मैं समोसे खा चुकी हूँ और आद्या ना मुझे बहुत परेशान करती है। अभी इसका पूरा कंसंट्रेशन मेरे पास ही है तो थोड़ी देर के लिए इसको दादी के पास भेज दूंगी, तो मम्मी के साथ थोड़ी देर बिजी हो जाएगी, तो मैं जल्दी जल्दी सारे अपने सारे काम निपटा लूंगी। तो बस चलिए अभी मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से बातें करूँ। मैं अब अपने वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।